नमस्कार, मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष ग्रह विज्ञान के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है दाग धब्बे छुड़ाना। तो इसके अंतर्गत हम पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने अध्ययन किया कि दाग धब्बे कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने जाना कि दाग धब्बे कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम निम्न वर्गों में बाँट सकते हैं। पहला वनस्पतिक दाग अर्थात वनस्पतियों के पदार्थों से लगने वाला दाग, प्राणिज दाग एनिमल स्टेन्स जिसे हम कहते हैं, जैसे प्राणिज जगत से जो हमें दाग धब्बे लगते हैं उसको हम प्राणिज दाग बोलते हैं। खनिज दाग जो खनिज तत्वों के माध्यम से वस्त्रों पर दाग धब्बे लगते हैं उन्हें हम खनिज दाग बोलते हैं। चिकनाई युक्त दाग तेल घी विभिन्न प्रकार के चिकना पदार्थों के द्वारा लगने वाले दाग को हम चिकनाई युक्त दाग, रंग के दाग डाई स्टेन्स, विभिन्न प्रकार के कलर्स जो हम यूज़ करते हैं चाहे वे कच्चे कलर्स हैं या पक्के कलर्स हैं उनके स्टेन्स पेंट के रूप में दाग होते हैं। फिर पसीने के दाग, पसीने के जो आता है हमें उससे हमारे वस्त्रों पर दाग पड़ता है। फिर घास का दाग और झुलसने का दाग, पेंट एंड वार्निश का दाग, और कई बार ऐसे दाग लग जाते हैं जिसको हम पहचानते नहीं हैं, उन्हें हम अज्ञात दाग बोलते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के दाग होते हैं जो हमारे वस्त्रों पर लगते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जो अज्ञात दाग है आपको पता ही नहीं है कि किस प्रकार से आपके वस्त्रों पर दाग लगा है, तो उसे आप किस प्रकार पहचानेंगे। तो सबसे पहला हम देखकर बाय सी अर्थात हम किसी भी दाग को देखकर पहचानने की कोशिश करते हैं कि यह किस चीज़ का दाग होगा। हम दाग के रंग आकार प्रकृति आकृति तथा बाह्य स्वरूप के आधार पर उसकी पहचान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शाही का दाग नीला एवं फैला हुआ होता है, जहाँ शाही की बूंदे गिरती है उस स्थान पर गहरा गोल बना होता है। जैसे जैसे शाही फैलती है उसका गोला बढ़ता जाता है और उसका किनारा टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसी तरह नेल पॉलिश का दाग है, वस्त्र की सतह पर ही एक मोटी परत के रूप में रहता है। हल्दी का दाग पीले रंग का, जैसे फॉर एग्जांपल कलर के माध्यम से हम देखकर पहचान जाएंगे कि हल्दी का दाग है। कालिख का दाग काला कलर का होगा तो हम सोचेंगे कि यह किसी कोयले के या कोई कालिख है वह या ग्रीस है उसका दाग लगा है। चिकनाहट युक्त होगा तो हम समझें। सेकंड हम दाग को पहचानने के लिए उसे सूंघते हैं। कई बार हमें जब देखकर प्रकृति परिचित नहीं होते हैं हम दाग से, तो हम उसे सूंघकर पहचानने की कोशिश करते हैं और पता लगाते हैं कि दाग किसका है। परंतु जब सूख जाता है दाग तब पहचानना मुश्किल हो जाता है। केवल ताजे दाग धब्बों को ही हम अच्छी तरह से सूंघकर पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल काजल बूट पॉलिश आदि के जो दाग होते हैं ये दाग, इन दागों के अंदर एक प्रकार की तीव्र गंध आती है और उस गंध के माध्यम से हम पहचान सकते हैं। इसी प्रकार पेंट है, नेल पॉलिश है, पसीने के दाग हैं, इन्हें भी हम एक्चुअली सूंघ कर पहचान सकते हैं। तीसरा जो मेथड है हम दागों को पहचाने वह है बाय टचिंग अर्थात स्पर्श करके दाग धब्बों को पहचान। छूकर भी की जा सकती है, जैसे दूध व अंडे के दाग वस्त्र पर लगने पे कुछ देर में कड़े हो जाते हैं। नेल पॉलिश या पेंट के दाग भी वस्त्र पर एक सतह पर एक परत के रूप में रहते हैं और इनकी मोटी परत वस्त्र पर जमा हो जाती है। चॉकलेट चाशनी आदि के दाग भी चिपचिपाहट पूर्ण होते हैं, तो इन्हें हम छू कर दाग का पहचान सकते हैं। तो हम तीन विधि बाय सीइंग बाय स्मेलिंग एंड बाय टचिंग अर्थात देखकर सूंघकर और स्पर्श करके हम दागों को पहचान सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं दाग धब्बे छुड़ाने की विधियाँ।
दाग धब्बे हमारे वस्त्रों पर लग जाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग करना होता है। हमारे पास दो कंडीशंस में दाग धब्बे होते हैं, एक सूखी अवस्था में होते हैं, एक गीली अवस्था में होते हैं। तो आइए हम विभिन्न दाग धब्बों को हटाने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां किस प्रकार से काम मिलेंगे उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अवशोषक विधि, चिकनाई युक्त दाग धब्बे पदार्थों को हम अवशोषक विधि के द्वारा रिमूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेसन, चोकर, आटा, फ्रेंच चौक, फुलर्स अर्थ, मुल्तानी मिट्टी जिसे आप कहते हैं, नमक, ब्रेड का चूरा, टेलकम पाउडर आदि अवशोषक पदार्थ हैं। ये चिकनाई को सोख लेते हैं। इनका प्रयोग उन वस्त्रों पर किया जाता है जहाँ पर साबुन पानी से दाग छुड़ाना संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ब्रोकेड वस्त्र हैं आपके, बनारसी साड़ीज हैं, जरीकोटा वर्ग के कुर्ते, कॉटन है। अवशोषक विधि में वस्त्र को मेज पर फैला देते हैं और दाग वाले हिस्से के नीचे ब्लॉटिंग पेपर रख दिया जाता है। दाग वाले भाग पर अवशोषक पदार्थ पर चक्राकार गति से बाहर से भीतर की ओर 5 से 10 मिनट तक रगड़ते हैं। इसके बाद अवशोषक पदार्थ को यूं ही आधे घंटे दाग के ऊपर छोड़ देते हैं। इसके बाद अवशोषक को झटक कर झाड़ देते हैं। अवशोषक के शेष अंश को भी ब्रश के माध्यम से झाड़ देते हैं। यदि एक बार में यह प्रक्रिया से दाग नहीं हटता तो हमें पुनः यही प्रक्रिया दोहरानी होती है। कुछ दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए अवशोषक पदार्थ को वसा घोलक में घोलकर पेस्ट के रूप में यूज किया जाता है। तैयार पेस्ट को दाग धब्बे पर लगाकर घर पर एक्चुअली जो वस्त्र होते हैं उसके वस्त्र के दोनों ओर लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है और पूर्णतः सूख जाने के बाद खुरच कर उसे निकाल दिया जाता है। शेष बचे अवशोषक पदार्थ को हम ब्रश से निकाल देते हैं। अवशोषक विधि के द्वारा चिकनाई युक्त दाग धब्बों को ये उपयोगी माना गया है और नीचे ब्लॉटिंग पेपर रखते हैं। कई बार हम इनके ऊपर नीचे ब्लॉटिंग पेपर और ऊपर प्रेस करते हैं तो नीचे ब्लॉटिंग पेपर उस चिकनाई को अवशोषित कर लेता है। गर्म स्त्री के कारण वसा पिघलती है जिसे ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार अवशोषक पदार्थों की सहायता से हम दाग धब्बों को रिमूव करते हैं। सेकेंड आता है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि के द्वारा उन्हीं दाग धब्बों को छुड़ाया जाता है जो अन्य विधियों से नहीं छूट रहे और इन्हें हमें अंतिम हथियार के रूप में मानना चाहिए। रासायनिक विधि के द्वारा वस्त्र को यदि हम दाग धब्बे छुड़ाते हैं तो हमारे वस्त्र को डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अतः कई बार इन रासायनिक प्रतिकर्मों को के प्रभाव से हमारे वस्त्रों के रेशे कमज़ोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं और वस्त्र फटने बहुत जल्दी आरंभ हो जाते हैं। अतः रासायनिक प्रतिकर्मों का प्रयोग हमें अतिरिक्त सावधानी पूर्वक करना चाहिए। दाग धब्बे छूट जाने के उपरांत वस्त्र को अच्छी तरह से स्वच्छ दल से बार बार खंगालना चाहिए ताकि रासायनिक पदार्थों का जो प्रभाव है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए। रासायनिक विधि द्वारा दाग धब्बे पर से पूरी तरह से नहीं हटते बल्कि इन दाग धब्बों का रासायनिक प्रतिकर्मों से क्रिया के कारण विरंजन भी हो जाता है, ब्लीचिंग भी हो जाती है। गोलक विधि, सॉल्वेंट मेथड, इस विधि के द्वारा केवल वसा में घुलनशील दाग धब्बों को ही हम धोते हैं। कुछ दाग धब्बे शीघ्रता से वसा में घुल जाते हैं जैसे नेल पॉलिश, पेंट, वार्निश। इसके अंतर्गत जिन हम केमिकल्स का उपयोग करते हैं वे हैं बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोल, तारपीन का तेल, एसीटोन, मिट्टी का तेल आदि। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए वस्त्र को मेज पर फैला दिया जाता है। दाग धब्बे वाले भाग के नीचे ब्लॉटिंग पेपर बिछा दिया जाता है। दाग वाले भाग पर स्पंज या मलमल के कपड़े के माध्यम से अथवा रुई के फावे से गोलक में डुबोकर चक्राकार गति से बाहर से भीतर की ओर 5 से 10 मिनट तक रब किया जाता है। इस दौरान दाग धब्बे छूट कर ब्लॉटिंग पेपर पर आ जाता है और अवशोषित कर लिया जाता है।
यदि एक बार में दाग नहीं छूटता है तो हमें इस प्रक्रिया को दूसरी बार दोहराना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वसा गोलक का उपयोग करके हम दाग धब्बों को छुड़ा सकते हैं। वसा गोलक का वस्त्रों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें वस्त्रों का रंग आकर्षण व सौंदर्य ज्यों का त्यों बना रहता है। यह दाग धब्बे छुड़ाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। तो इस प्रकार हम इन तीन विधियों से, सॉल्वेंट के उपयोग से, रासायनिक पदार्थों के उपयोग से और एब्जॉर्बेंट अवशोषक पदार्थों के उपयोग से, इन तीन विधियों के माध्यम से हम दाग धब्बों को छुड़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।